नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपने अक्सर ट्रेंडिंग गानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी भी जाकर अगर आप देखते हैं तो खेसारी लाल यादव के तीन तीन गाने जो हैं वो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। तो सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आकर किसी कलाकार के तीन तीन गाने ट्रेंडिंग में बने हुए हैं तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन नए साल के शुरुआत में खेसारी लाल यादव का पहला गाना रिलीज हुआ टमाटर गान, और वो गाना यूं कह लें कि खेसारी ने अपने फैंस को निराश कर दिया या फिर खेसारी फैंस के चलते खेसारी और खुद फैंस को भी कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ रहा है और उसके पीछे की वजह ट्रेंडिंग स्टार का गाना ट्रेंडिंग में ना जाना। जी हाँ, बात करें तो इसकी चर्चा इसलिए भी और भी ज्यादा इंपोर्टेंट हो गई है क्योंकि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर जो भी गाना रिलीज होता है वो गाना ट्रेंडिंग में 110% जाता है और ये मान लिया जाता है कि गाना जो है उस पर आएगा तो ट्रेंडिंग में जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के गाने इस पर दढ़िया बढ़िया लागेला वो नंबर वन तक अपना पोजिशन ऑक्युपाइड किया था। लेकिन टमाटर गाल जो गाना है वो रिलीज किया गया था कल, यानी कि 3 जनवरी को रिलीज किया गया था और ये गाने पर 21 लाख से ज्यादा यानी कि मोर देन 2.1 मिलियन व्यूज जो हैं वो इस गाने पर मिल चुके हैं, तो वहीं 1,90,000 से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफी ज्यादा है और इस पर कमेंट्स की बात करता हूं तो 40,000 के तकरीबन में कमेंट्स मिल चुके हैं। खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में है तो इस गाने में सपना चौहान नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर जो गाने ट्रेंड में जाते हैं आखिरकार खेसारी लाल यादव का गाना ट्रेंडिंग में क्यों नहीं गया और इसकी चर्चा के सारे फैंस जो हैं वो कहने कहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का जिस चैनल पर गाना ट्रेंडिंग में जाता है आखिरकार क्यों नहीं गया। क्या ऑलरेडी खेसारी लाल यादव के तीन बड़े बड़े गाने जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं वो एक वजह हो सकती है, या फिर जितने भी गाने ट्रेंडिंग में है वो एक से बढ़कर एक गाने हैं इसलिए शायद इस गाने को ट्रेंडिंग में नहीं पहुंचाया। खैर, इस चीज को लेकर फैंस मायूस है क्योंकि पहला गाना था, लोगों से एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इस चैनल पे तो गाना ट्रेंडिंग में जाता ही है लेकिन इसके बावजूद भी नहीं गया, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या वजह हो सकती है, किस कारण से ये गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया ये भी हमें जरूर बताइए।